सिंगरौली में टीके विद्यार्थी ने नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला। टीके विद्यार्थी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही सभी थाना प्रभारियों से अपराध से संबंधित समीक्षा बैठक की और निर्देशित किया कि सभी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी तरह का अपराध घटित न हो और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई हो। सिंगरौली के नए पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर एडिशनल SP प्रदीप सेंडे के साथ कई थाना प्रभारी और कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। SPT के विद्यार्थी इससे पहले पुलिस अधीक्षक PTC इंदौर में पदस्थ थे। उन्होंने रीवा में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर रिश्वतखोरी के खिलाफ मुहिम चलाकर उत्कृष्ट कार्रवाई को अंजाम दिया था। विद्यार्थी के लिए सिंगरौली कोई नया नहीं है, वह नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। टीके विद्यार्थी ने पदभार ग्रहण करने के बाद सभी थाना प्रभारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने अपराध से संबंधित सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देशित किया है कि सभी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी के साथ किसी प्रकार का अपराध घटित न हो, यदि होता है तो अपराधी न बच पाए, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रखना और अपराधों को नियंत्रण बनाए रखना है। इसके लिए मैंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, उनसे समस्याएं जानी है और ये जानकारी मेरे संज्ञान में लाई गई है कि वाहन दुर्घटनाओं को लेकर कई बार बड़ी यहाँ पर विकट लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो जाती है। तो विगत वर्षों में जहाँ भी 2 से अधिक वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित करके ब्लैक स्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रेक्टिफाई करके दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ साथ सिंगरौली जिले में सट्टा, जुआ, अवैध शराब, अवैध कबाड़, ऐसे सभी चीजों पर अंकुश लग जाए, इसके निर्देश जारी किए गए और इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।